आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% की जो रिजर्वेशन है वो जारी रखने का आदेश दिया है, तो वहीं जम्मू की सैनी बिरादरी ऐसी है जो कि ओबीसी जो उन्हें कैटेगरी मिली है उसका विरोध कर रही है। यहां पर देखिए ये लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन इन्हें दिया गया है ये उसका विरोध करते हैं और ये खुद जो है चाहते हैं कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। सर, आपको ओबीसी का जो दर्जा है वो दिया गया है लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं चाहिए। पहला मेरा क्वेश्चन है कि हमें नहीं चाहिए सरकार, मेरा क्वेश्चन है सरकार से कि जब इन्होंने ओबीसी का सर्वे किया जहाँ इनके पास कोई एप्लीकेशन की जहाँ हमने डिमांड की, हमने डिमांड ही कुछ नहीं की तो सरकार ने क्यों दे दिया हमें? इससे तो आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा ना? कोई बेनिफिट नहीं है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का मरार डाउन हो रहा है कि हमारे बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में वो उनका मरार जो है वो डाउन हो रहा है क्योंकि वो सोचेंगे कि आज ही ओबीसी मिल जानी है, ओबीसी मिल जानी है, सीट मिल जानी है, वो उसी में रहेंगे, वो अपना जो स्टैमिना उन्होंने बढ़ाया है उसमें वो नहीं जा पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हमें ओबीसी नहीं चाहिए। आप ऐसा पहली शख्स हैं, आप अपनी पहली बिरादरी है जो सामने आई है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आपको लगता है कि बाकी भी ऐसी बहुत सी बिरादरी है जिन्हें रिजर्वेशन मिला है, उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें भी सामने आना चाहिए? आना चाहिए उन्होंने भी, हमने एक मिसाल कायम की है, हमारे बच्चों ने मिसाल कायम की है, क्या उनको भी आना चाहिए सामने? जो भी चीज होनी चाहिए अपने बलबूते पर होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई के मुताबिक होनी चाहिए, कंपटीशन में होनी चाहिए। तो इसमें लगता है कि कोई सियासत इसमें? हाँ, सियासत भी है इसमें, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग मिले हुए हैं, हमारे 4-5 ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने ये ड्रामा रचा हुआ है, उनके साथ मिलके उन्होंने कमीशन में भी उनके अपने कोई साथी थे, कुछ उनके जाने पहचाने लोग थे, उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया ये सारा सिस्टम, वो ये शो करना चाहते हैं कि बरादरी में कि हमने आपको ओबीसी दिला दी कि बरादरी हमारे पीछे है, वो बीजेपी में जाएंगे तो जो वहाँ ओबीसी में जहाँ रिजर्वेशन में सीट है बिश्नाब वाली वो उनको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है, अगर आपकी ये जो ओबीसी का कैटेगरी ये हटती नहीं है तो क्या? इसके बाद हम देखेंगे सड़कों पर हमारे बच्चे जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, जब हम सब लोग चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए तो क्यों दे रही है गवर्नमेंट? नहीं देगी तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करने में कोर्टों में जाएंगे, दिल्ली तक भी अगर जाना पड़ा तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। तो हमने कल की आज सुबह ही मैंने मेल भेज दिया गवर्नर साहब को कि हमें टाइम दीजिए, हमारी बात सुनिए, हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से आपके बंदे वहाँ पे गए, बीजेपी मुख्यालय में गए, वहाँ सम्मानित किया गया, उन्होंने कहा कि पहली बार जो है अमित शाह और जो है मोदी सरकार ने सैनी बिरादरी को आरक्षण दिया है, हमें बहुत लाभ होगा, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको लाभ मिलेगा। सरदार साहब, आपने देखा होगा कि रविंदर रैना साहब के पास वही 4 लोग गए, आरसपुरा में भी वही सेलिब्रेशन कर रहे हैं 4 लोग, बिश्नाह में भी वही लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कल उन्होंने अरनिया में भी सेलिब्रेशन की और हमारे बच्चों ने वहाँ भी प्रदर्शन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन एक होती है, एक दफ़ा कर दी, ये क्या ड्रामा है? जे आपको खुद भी, आप मीडिया में हैं, आपको खुद भी पता लगना चाहिए कि ये अपना ड्रामा रच रहे हैं कि दिखा रहे हैं सरकार को 50 के पार करने का ये ड्रामा है, 50 सीटों से पार अपने जो है सीटें जीतनी है। नहीं नहीं, मेरा कहना ये है कि जो लोग हैं हमारे 4 लोग हैं वो ड्रामे करके दिखाना चाहते हैं कि पूरी बिरादरी हमारे साथ है, उनके साथ कोई नहीं है, वो आपने देख लिया, इससे ज़्यादा और क्या देखना? आप चाहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सर देखिए, हमारी कम्युनिटी को बिना कंसल्ट किए हुए सीक्रेटली कुछ चंद लोगों ने इसमें ओबीसी कैटेगरी में डलवा दिया, ठीक है? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, इंडिया को कहते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप है कि कम्युनिटी को पता ही नहीं है तो उनको कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है? पहला तो हमारा ये विरोध है, दूसरा विरोध है कि कम्युनिटी को इसका लाभ ही नहीं होगा, सारी कम्युनिटी क्रीमी लेयर में फॉल करती है, कुछ चंद लोग हैं वो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं कि बिरादरी बार बार सेलिब्रेट करके कि बिरादरी हमारे पीछे खड़ी है, लोगों को सब इतने समझदार तो हैं ही कि भाई जाटों ने एक बार सेलिब्रेट किया, ठीक है, गोरखों ने भी एक बार किया, तो 15 दिन से कौन सा सेलिब्रेशन ही चला जा रहा है? दिस इज़ ऑल द गेम ऑफ नैरेटिव, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं बीजेपी के सामने क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है? अभी हमें मजबूरन रोड पे उतरना पड़ा और अगर ये चीज़ रिवोक नहीं होती, सैनी कम्युनिटी को रिजर्वेशन से हटाया नहीं जाता लिस्ट से, आप बाकियों को दीजिए 14 को, हमें नहीं चाहिए, तो हम सड़कें बंद करेंगे, हम जो करना पड़े करेंगे। आप ऐसे पहले हैं जो कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जी लोग तो मांगते हैं। सर, जो हमारे गरीब लोग हैं ना उनको पहले ही EWS का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है,
और हम जाते हैं जो फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं, पहाड़ी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुनने में आया कि 150 लोगों कम्युनिटीज़ ने फाइल लगाई थी और इनके कुछ अंदर थे मतलब बंदे, उन्होंने मिलजुल के ये हमारी कम्युनिटी को दिलवा दिया। हम सर राजपूत हैं, हम किसी का हक नहीं खाते, ठीक है, जो लोग डिज़र्व करते हैं ना उनको दिया जाए, हमें नहीं चाहिए, ना हमने मांगा, आज भी नहीं लेंगे, पहले भी नहीं लिया था, ना कल लेंगे। जी जी सर, तो यहाँ पर देखिए ये जो सैनी बिरादरी है, ये ऐसा पहला एग्जाम्पल है पूरे देश में जहाँ पर रिजर्वेशन मिलने के बाद उसका विरोध किया जा रहा है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और इनका ये आरोप है कि चंद लोग जो है वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि सैनी बिरादरी जो है वो इससे खुश है, जबकि पूरी सैनी बिरादरी जो कि राजपूतों में आती है वो इस आरक्षण का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि जल्द इस आरक्षण को जो कि OBC है वापस लिया जाए, क्योंकि इन्हें किसी भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और आरक्षण केवल उन्हें दिया जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो गरीब है, जिनके सर पर छत नहीं है, ना कि सैनी बिरादरी को। और खास करके इन्होंने कहा है कि शायद सियासत बहुत ज्यादा जो है वो इस पूरे मसले पर हावी हुई, इसीलिए बिना सैनी बिरादरी से पूछे हुए ही जो है वो उन्हें OBC का दर्जा दिया गया, जिसका कि वो पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर इस दर्जे को वापस नहीं लिया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन जो है वो करेंगे। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।